नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस ऑटोलॉग्स में। और आज हम आए रिव्यू करने के लिए प्योर ईवी की ई प्लूटो 7G मैक्स। और सारे ब्रांड्स फुल्ली लोडेड है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, ज़माना इलेक्ट्रिक का है। और चाहे कार्स की बात करें या स्कूटर्स की या बाइक्स की, सब जगह इलेक्ट्रिक आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रांड हिस्ट्री के बारे में। तो 2016 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था और 2019 में फर्स्ट व्हीकल इन्होंने लॉन्च किया था। 10 जो है इनके पास में प्रोडक्ट्स हैं, आप शोरूम पे आकर देख सकते हैं। क्रिएटिव कैप्शन आपको शोरूम की डिटेल और नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आप यहाँ पर राइड लेना चाहे तो राइड भी ले सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आपके सारे जो भी डाउट से वो यहाँ पे आके क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ में बात करें इसके कलर ऑप्शंस की, तो इसके अंदर आपको 4 कलर ऑप्शंस मिलेंगे। 2 बहुत ही खूबसूरत कलर्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे रखे हुए हैं। और रेड कलर जो है बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। इसका जो रेट्रो डिज़ाइन है, जो रेट्रो लुक है, क्लासिक जो डिज़ाइन है, वो इसको और ज़्यादा आप बोल सकते हैं हेड टर्नर बनाता है। कलर कॉम्बिनेशन और जो क्रोम फिनिश है वो इसे बहुत हेड टर्नर बनाता है। ऑफकोर्स ये आई कैचिंग है। इसके अंदर क्या क्या फीचर मिलेंगे वो हम इस वॉक अराउंड में देखेंगे। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलती है, आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका डिटेल में मैं आंसर देने का ट्राई करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं इसका वॉक अराउंड। तो स्टार्ट करें अगर फ्रंट से, तो यहाँ पे आपको पूरा एलईडी सेटअप मिलता है, राउंड शेप में मिलता है। राउंड शेप में ही आपको यहाँ पे साइड मिरर्स मिलेंगे, रेड कलर जो है क्रोम गार्निश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी के साथ में बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस कलर कॉम्बिनेशन को। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, फ्रंट के अंदर जो आपको थोड़ा बीक मिलता है वो भी आपको क्रोम फिनिश के अंदर मिलेगा। लुक बहुत अच्छा, साइड इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं, प्रोटेक्टेड मिलते हैं, कोई इसको हार्म ना कर दे। साथ ही साथ यहाँ पे बजर साउंड आपको मिलेगा, जो कि मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये बहुत बेटर है, कई बार हम भूल जाते हैं कि इंडिकेटर को ऑन ऑफ करना, तो वहाँ पे आपको सपोर्टिव रहता है। नीचे की तरफ आए तो नीचे में दिखा देना चाहती हूँ, यहाँ पे 90/100 के 10 इंचेस के अलॉय व्हील्स आप मिलते हैं। अलॉय व्हील्स में भी आपको क्रोम गार्निश देखने को मिलेगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पर मिलते हैं। एंड फ्रंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, पीछे की तरफ आपको ड्रम मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो स्कूटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स होती है, उसके अंदर अगर आपको ब्रेकिंग अच्छी नहीं मिली तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे उसका पूरा ध्यान दिया गया है और पूरा ध्यान रखा गया है। आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पर आपको काफ़ी ब्रॉड प्लेटफॉर्म मिलता है, सिटिंग काफ़ी ब्रॉड है, यहाँ पे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सिटिंग की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और आपको कॉम्प्लीमेंट्री सीट कवर मिलता है। साथ में साइड में देखें तो यहाँ पे एक फुटरेस्ट है ऑलरेडी, और डेडिकेटेड फुटरेस्ट भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो अगर फीमेल्स बैठ रहे हैं एक साइड में तो उनके लिए कंफर्ट हो जाता है। यहाँ पे ग्रैब रेल आपको मिलती है, और मैं आपको एक बार सिटिंग पोजीशन बता देती हूँ। तो इट्स वेरी इजी, अप फ्रंट है इसका जो एकदम स्टेयरिंग है, इट्स नॉट दैट टायरिंग वाला, स्ट्रेट आप रहते हैं, इट्स ईजी टू यूज़। फ्रंट में आपको ये छोटा सा बॉक्स मिलेगा, इसमें आप छोटा मोटा सामान या मोबाइल वगैरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड उसी के साथ में यहाँ पे हुक आपको मिलती है, एंड कीज़ आप देख सकते हैं, कीज़ कितनी सारी मिलेगी। एंटी थेफ्ट आपको यहाँ पे की मिल रही है, अगर आप स्कूटर को लॉक करके अगर जा रहे हैं और कोई टच करता है तो यहाँ पे साउंड बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज़ इन्हें चुराना थोड़ा इजी हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर आपको हॉर्न का, लाइट्स का यहाँ पे कंट्रोल मिलता है। उसी के साथ यहाँ पे फ्रंट में अगर देखें तो यहाँ पे 5 इंचेस की आपको स्क्रीन मिलेगी, एंड जो क्लस्टर है आपको 5 इंचेस का मिलता है। यहाँ पे सारा आपको कितनी बैटरी है, कितना चार्ज है, ये सारा आपको डिटेल पता चलेगा। यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग का ऑप्शन भी मिलता है, पार्किंग बटन आपको मिलता है। और यहाँ पे ये 3 मोड्स हैं जिसके अंदर आपको अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना पड़ेगा, लाइक इको मोड है, राइड मोड है और स्पोर्ट मोड है। अगर आप इको मोड पे चला रहे हैं तो आपको 201 की जो है रेंज आप क्लेम कर सकते हैं, आप ले सकते हैं 30 की स्पीड में अगर आप चला रहे हैं। 45 की स्पीड में अगर चला रहे हैं राइड मोड के अंदर, जो भी आपको रेंज मिलेगी वो मिलेगी 175 किलोमीटर की। और उसी के साथ में थर्ड जो कि स्पोर्ट्स मोड है, अगर आप उस पर चला रहे हैं 60 की स्पीड में, 60 टॉप स्पीड है अगर आप उस पर चला रहे हैं, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास आपको रेंज जो है क्लेम करते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी, और बहुत ही यूज़फुल इसके अंदर चीज़ें दी गई है, जो कि आपको डेली यूज़ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर आपको यूज़ आने ही वाली है। कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो वेस्ट है यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है और आपको काम नहीं आएगा।
अब आ जाते हैं बूट पर, तो बूट स्पेस थोड़ा सा यहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा कम है, बट इधर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बैटरी का स्पेस यहाँ पे आ जाता है, तो छोटी मोटी चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं। बैटरी जो है 3.5 किलोवाट आर की आपको यहाँ पर मिलेगी, और जो कि आपको जो रेंज मिलने वाली है वो आपको 201 की क्लेम की जा रही है। आपको इस टाइप का यहाँ पे चार्जर दिया जाएगा, दैट इज़ 67.2 वोल्ट का यहाँ पे चार्जर दिया जाएगा, और 6 आवर में जो है आपको यहाँ पे चार्ज कम्प्लीटली हो जाती है, जो क्लेम कर रही है कंपनी 6 आवर आपको लगेंगे और ये चार्ज हो जाएगी। इसके अंदर रीजनरेशन मोड भी आता है, रीजनरेशन वाला एक फीचर भी आता है, जिसके अंदर ब्रेक रीजनरेशन से आपको ज़्यादा बेटर जो रेंज है वो आप क्लेम कर सकते हैं या आपको मिल सकती है, तो वो एक फ़ीचर भी इसके अंदर दिया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अच्छा और बहुत ही स्मार्ट फीचर है जो कि आपको यूज़ आएगा। यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग फीचर आपको मिलने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ का, यहाँ पे अगर आपने स्कैन किया तो ये कनेक्ट हो जाता है, और एप्लीकेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि कितनी आपकी बैटरी चार्ज है यहाँ पर और किस कंडीशन में, जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो ईजी टू यूज़ हो जाता है। अगर आपको आपकी बैटरी की सिचुएशन जाननी है, उसकी हेल्थ जाननी है, कैसे वो वर्क कर रही है, तो आपको पता लग जाएगा, यानी बहुत ईजी है यूज़ करना। यहाँ पर आप ब्लूटूथ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो स्कैन करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, लेकिन अगर आप अपने फ़ोन में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा बेटर वे में आप इसको देख सकते हैं। रियर का लुक कुछ इस टाइप का मिलेगा, उसी के साथ में आपको यहाँ पे ट्विन शॉक अब्जॉर्बर मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा सस्पेंशन इसका हो जाता है। हम अभी राइड करने जाएंगे और देखेंगे कि इसकी राइडिंग कैपेबिलिटी कैसी है, और चेक कर लेते हैं कि चलाने में और सिटी में मनूवर करने के लिए कितनी अमेजिंग है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसका राइड रिव्यू और चेक कर लेते हैं इसकी राइड कैपेबिलिटीज़ को। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका राइड रिव्यू, और आप देख सकते हैं स्कूटर जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इलेक्ट्रिक की खास बात यह है कि आपको 0 RPM से ही जो एक्सेलरेशन मिलता है वो बहुत ही क्विक मिलता है, बहुत ही स्ट्रांगली मिलता है, और आपको मज़ा आता है चलाने में। तो वो जो एक इनिशियल पिकअप है वो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि मैंने फील कर रही हूँ यहाँ पर, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। एकदम से क्विक जो बूस्ट मिलता है वो यहाँ पे आपको बिल्कुल मिलने वाला है। लाइट की इंटेंसिटी हम अभी पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी डे टाइम है, बट आई नो कि LED लाइट्स है तो इसका काफ़ी अच्छा इंटेंसिटी रहेगा। लॉन्ग राइड पे भी ले जाना चाहते हैं, हालांकि यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक रेंज कॉन्शियस आपको रहना पड़ता है, बट सिटी के अंदर आप कितनी भी देर तक चला रहे हैं, कितना भी ट्रैफिक है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि आपको थकावट तो यहाँ पर होगी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, सारी चीज़ें आपको दी गई है, उसी के साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना होगा, आपका कितना यहाँ पे अमाउंट जो है खर्च होने वाला है, वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे 3.5 किलोवाट की जो बैटरी है उसी के इक्विवेलेंट आपको जो यूनिट्स इसके अंदर यूटिलाइज होंगे। जयपुर में अभी जो यूनिट्स का प्राइस है वो 8-9 रुपीज़ है, तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए 3.5 यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो 30 रुपये के अंदर अंदर 201 किलोमीटर की रेंज जो है आप कवर कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। और अगर आप पेट्रोल में जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, यहाँ पे आपका पैसा, ये पॉकेट फ्रेंडली है, पॉकेट के लिए बहुत ही हेल्दी है आपके लिए स्कूटर। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने ये परचेस कर लिया उसके बाद में एक टेंशन फ्री वाला, मतलब कोई कॉस्ट नहीं है, सर्विसिंग आपको सेम जगह से जहाँ से आपने परचेस किए मिल जाएगी, उसी के साथ में कॉस्टिंग आपकी 0 आने वाली है। कोई मतलब इससे महंगा फ़ोन आता है आजकल के टाइम पे, तो मुझे लगता है ये बेस्ट आपके लिए ऑप्शन हो सकता है अगर आप एक सिटी के लिए ढूंढ रहे हैं एक स्कूटर जिसमें आप इजीली जा सके और आपकी पॉकेट के लिए वो हेल्दी भी हो। उसी के साथ में आपको यहाँ पे स्लोप असिस्ट मिलता है, मुझे लगता है ये वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है आप जो है यहाँ पर पता कर सकते हैं, आपको नीचे डिटेल मिल जाएगी शोरूम की, आप जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट है आप बिल्कुल मुझसे मैसेज कर सकते हैं, इवन आप मेरे इंस्टाग्राम पे DM करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, ये था प्योर ईवी का वीडियो, आपके डाउट्स के लिए आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन आस्क एनी टाइम।